रोजाना किचन में आपका स्वागत है। मैं अनीता आपके लिए चिकन करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन करी की इंग्रेडिएंट्स नोट करें। चिकन 1 केजी, प्याज 1/2 केजी अच्छी तरह से चॉप्ड कर लें। अदरक 15 ग्राम, लहसुन 15 कली, हरी मिर्च 4। अब लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को एक साथ पीस कर पेस्ट बना लेंगे। हल्दी 1 टेबल स्पून, खड़ा जीरा 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, काली मिर्च 7 दाना चूर लेंगे, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, तेजपत्ता 2, नमक स्वाद अनुसार। चलिए बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। गैस पे मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई को चढ़ा के गर्म कर लेंगे तेल को। तेल में गर्म हो जाने पर जीरा, तेजपत्ता, गर्म मसाला को ऐड करेंगे। 2 मिनट तक पकने देंगे। अब कटे हुए प्याज को डालकर चलाएंगे। थोड़ा नमक डालकर सॉफ्ट होने तक उसको ढक देंगे। दो मिनट बाद हल्दी को डालकर अच्छी तरह से पकाएंगे। फिर कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे। अब चिकन को ऐड करेंगे।
कुछ देर चिकन को चलाएंगे। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसको ढककर 3 मिनट तक पका लेते हैं। चिकन में धनिया पाउडर डालेंगे। काली मिर्च, जीरा और लाल मिर्च डालकर चलाएंगे। फिर चिकन को ढककर पकाएंगे। तीन मिनट बाद अच्छी तरह से चलाने के बाद लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट को डालकर मिला लें। दो दो मिनट के अंतराल में ढक ढक कर चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छी तरह से चिकन पक ना जाए। अब चिकन का रंग और मसाला गोल्डन ब्राउन होने तक उसे पकाएंगे। और कढ़ाई में तेल सेपरेट होते हुए दिख रहा है, इसका मतलब है कि चिकन अब रेडी होने को है। तेल दिख रहा है, इसका मतलब मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें 1 कप पानी या अपने अनुसार जितना आप ग्रेवी चाहते हैं उसमें ऐड कर लें। उसे 5 मिनट तक बॉईल कर लें।
उसके बाद कस्तूरी मेथी को हाथ से रब करके डालें और गर्म मसाला ये ऐड कर दें। ताकि चिकन में एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। उसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। चिकन करी तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। उम्मीद है आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आएगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।